सभ्यता की कहानी से अर्थ है कि हम किसी भी सभ्यता के बारे में इस चैप्टर में जानकारी हमें मिलेगी कि यानी कि जैसे मिस्र सभ्यता पर मिस्र की सभ्यता पर ऐसे बहुत सारी सभ्यता होती है। हड़प्पा सभ्यता आपने पढ़ा होगा, अभी आप आगे पढ़ोगे एसएससी में भी हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो सभ्यता, उसमें से एक हमारी जो सभ्यता है मिस्र की सभ्यता, ये बहुत ही पुरानी सभ्यता है। इस चैप्टर में इस सभ्यता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए पहले हम जानेंगे पाठ का परिचय। पाठ का परिचय क्या है हमारा? आज हम सबसे पुरानी सभ्यता प्राचीन मिस्र के बारे में जानेंगे। जो सबसे पुरानी सभ्यता इसका नाम क्या है? प्राचीन मिस्र। मिस्र दो है, एक तो है नया मतलब जो पुराना मिस्र है उसको क्या बोलते हैं? प्राचीन मिस्र। और एक और मिस्र है जो अभी का जो मिस्र है, यानी जो अभी चल रहा है वो हमारा नया मिस्र है, और जो पुराने वो मिस्र के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सभ्यता क्या है? सभ्यता वह संस्कृति है जो सरकार शिक्षा और मान्यता व्यवस्था से संपन्न हो। सभ्यता क्या होती है? जिस देश में यानी जिस भी राज्य में मतलब सब कुछ डेवलप हो, यानी सरकार हो वहाँ की, मतलब जनता पढ़ी लिखी हो और वहाँ की मान्यता हो, यानी वहाँ की रीति रिवाज और व्यवस्था अच्छी हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सभ्यता बोलते हैं। यानी जो दूसरे सभ्यताओं को जिससे मैसेज मिलेगी इसकी सभ्यता बहुत अच्छी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अच्छी सभ्यता बोलेंगे। प्राचीन मिस्र एक ऐसी सभ्यता थी जो लगभग 5000 वर्ष पहले प्रारंभ हुई थी। प्राचीन मिस्र की सभ्यता कब प्रारंभ हुई थी? 5000 वर्ष पहले प्रारंभ हुई थी। और कितने समय दिनों तक चलती? कितने वर्ष तक चलती? लगभग 3000 वर्षों तक ये सभ्यता चलती है। चलिए, प्राचीन मिस्र और प्राचीन चीन एक ही काल में विद्यमान थे। क्या था? प्राचीन मिस्र और प्राचीन चीन एक ही काल में क्या थे? विद्यमान यानी उपस्थित थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, प्राचीन मिस्र उत्तर पूर्वी अफ्रीका के विभिन्न भागों में फैला हुआ था। प्राचीन मिस्र कहाँ फैला हुआ था? प्राचीन मिस्र उत्तर पूर्वी भागों के अफ्रीका के विभिन्न भागों में फैला हुआ था, उत्तर पूर्वी अफ्रीका के। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इसकी जीवन रेखा नील नदी थी। प्राचीन मिस्र के लोग भोजन और पानी के लिए नील नदी पर ही निर्भर रहते थे। क्या था कि प्राचीन मिस्र के लोग की जीवन रेखा यानी उनका मतलब जीवन निर्वाह करने का क्या साधन था? यानी खाने पीने का जो भी साधन था वो क्या था? नील नदी थी। उसी से वो क्या करते थे? अपनी जीवन रेखा यानी अपने जीवन चलाते थे। वो किस प्रकार चलाते थे? प्राचीन मिस्र के लोग पानी के लिए नील नदी पर ही भोजन पानी के नील नदी पर ही निर्भर रहते थे, परंतु इस नदी में हर वर्ष बाढ़ आ जाती थी जो फसलों की उपजाऊ मिट्टी को बहाकर लाती थी। क्या होता था कि अधिक वर्षा के कारण क्या होता था? बाढ़ आती, आपको पता है। लेकिन मिस्र में क्या होता था? जब नील नदी थी उसमें हर साल बाढ़ आती थी, जिससे क्या था कि जो उपजाऊ मिट्टी थी वो ऊपर आ जाती थी फसलों के लिए। मिस्र में शांति काल भी रहा और युद्ध काल भी। प्राचीन मिस्र के शासक भू स्वामित्व पाने और व्यापार बढ़ाने के लिए आपस में लड़ा करते थे। क्या था? मिस्र में शांति भी रही है। शांति काल का अर्थ है एक समय ऐसा भी था कि जब शांति थी, और एक समय ऐसा भी आया था कि जब युद्ध भी हुए थे। युद्ध किस कारण हुए थे? भू स्वामित्व यानी भूगर यानी भूमि पर अधिकार पाने का। प्राचीन मिस्र के जो शासक थे या राजा थे वो भूमि पर अधिकार पाने के लिए, भूमि हड़पने के लिए क्या करते थे? आपस में लड़ते भी रहते थे, और व्यापार को बढ़ाने के लिए भी, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए भी आपस में लड़ते रहते थे। और क्या था? उस टाइम शांति का काल भी रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, प्राचीन मिस्र समाज विभिन्न वर्गों में विभाजित था। प्राचीन मिस्र का समाज था वो क्या था? विभिन्न वर्गों में विभाजित था। जैसे अभी हमारा समाज भी वर्गों में विभाजित है। आपको पता है वैश्य वर्ग होते हैं, पंडित जैसे ब्राह्मण वर्ग होता है, शूद्र वर्ग होता है, ऐसे ही क्या था मिस्र का भी जो प्राचीन वर्ग का समाज है वो भी हमारा क्या था? वर्गों में विभाजित था। कैसे था? जो प्राचीन मिस्र समाज वर्गों में विभाजित था, कुलीन वर्ग जो समाज के शक्तिशाली सदस्य थे, जो कुलीन वर्ग थे वो क्या थे? लोगों पर शासन करने वाले थे, यानी एक तरह से राजा बोल सकते हैं। कुलीन वर्ग के जो लोग थे वो क्या थे? शक्तिशाली थे और शासक थे। व्यापारी गण जो वस्तु का लेन देन करते थे, व्यापारी लोग थे कुलीन क्या रहते? शासक थे, परंतु जो व्यापारी गण थे यानी व्यापारी लोग थे वो क्या करते थे? वस्तुओं का लेन देन करते थे। कृषक जो खेती करते थे और गुलाम बने मंदिरों और भवनों के निर्माण के कार्य में जबरन लगाया जाता था। क्या था? जो कृषक थे यानी किसान थे वो क्या करते थे? खेती करते थे, और जो गुलाम थे जिन्हें गुलाम बनाकर रखा जाता था वो क्या करते थे? उन्हें जबरन जो राजा थे वहां के वो क्या करते थे? उनको जबरन यानी जबरदस्ती निर्माण कार्य भवनों के निर्माण कार्य और मंदिरों के निर्माण कार्य में उन्हें लगाया जाता था। एक तरह से उनसे मजदूरी करवाई जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इन लोगों में लिपिक या मुंशी भी थे जो चित्रलेख लिखना पढ़ना
जानते थे। इन लोगों में क्या था कि कुछ लिपिक यानी मुंशी यानी जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, हर वर्ग में कुछ पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, कुछ अनपढ़ भी होते हैं। ऐसे इनमें था कि एक पढ़े लिखे लोग भी थे इन्हीं वर्गों में, जो क्या करते थे चित्र लेखों को। उस टाइम क्या था, जो हमारी राइटिंग होती थी मिस्र के लोगों की, वो क्या लिए जाते चित्र के रूप में लिखे जाते थे। वो लिपि का उपयोग बहुत ही कम करते थे, ये चित्रों को पढ़ना जानते थे। वो क्या करते थे, चित्र लेखों को पढ़ना जानते थे। ये पेपायरस पर लिखा करते थे, जो नील नदी के तट पर उगने वाले नलकुल और सरगंडा नामक के पौधे से बनने वाला एक प्रकार का पेपर है। जो मिस्र के लोग किस पर लिखा करते थे, पेपायरस नामक, पेपायरस जो एक कागज होता है, कागज का नाम होता है, ये क्या करते थे इसी पर लिखा जाता था। तो ये कागज आता कहाँ से था, नील नदी पर, जो पेड़ हुआ करते थे नील नदी के किनारे, तट पर क्या होता है नील नदी के किनारे पर क्या था, नलकुल और सरकंडा, ये पेड़ों के नाम होते हैं। इनमें ये क्या करते थे, इस प्रकार के पौधों से ये कागज प्राप्त होता था। तो क्या करते थे, इनमें ये लोग लिखा करते थे। लिखा मतलब कि लिपि क्या थी, चित्र लेखते थे, क्या करते थे चित्रों के माध्यम से ही लिखा करते थे। ये लोग ग्रीक भाषा लिख पढ़ सकते थे और अपनी लिखावट की तुलना में इस चित्रलेख से करके इसके संकेत समझ सकते थे। आपको बताया भी ये लोग क्या करते थे, इन्हीं कागजों पर क्या करते थे, मतलब चित्रों के माध्यम से लिखा करते थे। और इनको भाषा कौन सी आती थी, ये ग्रीक भाषा। ये ग्रीक भाषा को क्या करते थे, लिख सकते थे और पढ़ भी सकते थे, परंतु ये अपने चित्रलेख लिखावट की तुलना पढ़ते लिखना ज्यादा पसंद नहीं करते थे, और इससे समझते थे चित्रों और संकेतों के माध्यम से ज्यादा पसंद करते थे। दूसरे को मतलब बात को समझाना या लिखना चित्रों के माध्यम से नहीं पसंद था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फराओ मिस्र के राजा हुआ करते थे, तूतनखामन। तूतनखामन उनमें से एक था जो 3000 वर्ष से भी अधिक पूर्व तक शासन किया। जो इनके राजा थे वो क्या थे, इनके राजा जो थे किस वंश के थे, फराओ वंश के थे। इनमें वंश चलता है, इनमें सबसे पुराना वंश कौन सा था, फराओ मिस्र था, जिसमें फराओ के जो राजा हुआ करते थे वो क्या थे, तूतनखामन थे। तूतनखामन ने कितने वर्ष शासन किया, इन्होंने 3000 वर्ष तक मिस्र पर शासन किया था। नेक्स्ट है हमारा रा, सूर्य देवता। इसके महत्वपूर्ण देवता थे, जो रा होते हैं ये रा किसको बोलते हैं, सूर्य देवता को। देवता तो बहुत सारे थे, लेकिन सबसे ज्यादा किसको मानते थे, रा देवता। तो रा देवता कौन होते हैं, सूर्य देवता। इनके कौन से महत्वपूर्ण देवता थे, जिनकी पूजा ज्यादा करते थे। इसके बाद है क्लियोपेट्रा, प्राचीन मिस्र की सबसे महत्वपूर्ण रानियों में से एक थी। ऐसे ही मिस्र में रानियां बहुत सारी थी, लेकिन जो सबसे मशहूर और सबसे फेमस रानी थी वो कौन सी थी, क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा मिस्र की सबसे महत्वपूर्ण रानी थी। द ग्रेट स्फिंक्स एक दैत्याकार मूर्ति थी, जो ये जो मूर्ति है द ग्रेट स्फिंक्स, ये क्या है, ये मूर्ति थी फराओ राजा की से मिलकर, और क्या बोलते हैं, एक सिंह की जो आकार की मूर्ति हुआ करती थी, जो फराओ राजा और सिंह के दहाड़ वाली आकृति के मिलाकर बनाई गई थी, ये ग्रेट स्फिंक्स मूर्ति। और ये बहुत ही बहुत सारे मजदूरों से, मजदूरों की सहायता से बनवाई गई थी, और ये करीब 20,000 वर्ष लगभग उसको बनाई गई थी, मतलब इसको बहुत टाइम लगा था इसको बनने में। सबसे बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड कहा जाता है। इसमें जो मिस्र में जो सबसे बड़ा पिरामिड है ये क्या है, द ग्रेट पिरामिड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये वहाँ का सबसे बड़ा पिरामिड है। और नेक्स्ट है कुछ प्राचीन मिस्री मकबरे के भीतर मिमियाँ भी पाई जाती है। जो पुराने पुराने मिस्र के मकबरे हैं उनमें क्या है, मिमियाँ। मिमियाँ आपको पता होगा जो क्या होता है, कि जो मरे हुए वहाँ के लोग होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो क्या करते हैं कि उनकी बॉडी को बहुत सारे केमिकल्स और कपड़े से लपेट कर रखा जाता है। उससे क्या होता है कि उनकी बॉडी में ना तो कीड़े पड़ते हैं और ना सड़ते हैं। उनको क्या करते हैं, जो वहाँ के राजा होते थे उनके जो शवों को काफी समय तक अच्छा रखने के लिए वो क्या करते थे, मिमियाँ बनाकर उनको मकबरे में ही रखा करते थे। इससे क्या होता था, उनके समय शव को लंबे समय तक अच्छी तरह से रखा जा सकता था। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप मिस्र के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी गई, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ये चैप्टर आपके आगे भी और क्लासेस में काम आएगा। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए और आप उसके जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको याद करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।